हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। फ्रेंड्स, आम जो पेडागोगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करुले तो से आम 125 नंबर जाके डिस्कसन करें तो तार हूँ जो बाकी पार्टस अच्छी ये आम डिस्कसन करवा। देखो फ्रेंड्स, मुझे रखुच्छी ए बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन अच्छी आपण को बहुत किसी इनफर्मेसन आपको ये मिलजिव तो निहत भाव में भिडटी को देखु एंड गोटे क्वेश्चन आम खाली क्वेश्चन डिस्कसन करवानी तासत आम किसी इनफर्मेसन डिस्कसन करवा। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। देखो तो क्वेश्चन अच्छे प्रथम क्वेश्चन 126 नंबर तो क्वेश्चन अच्छी ह्विच अफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो ए मानक भितर कौटा हूँ गोटे कंपोनेंट नुहे एजुकेशनल मैनेजमेंट रो। तो देखो तो ऑप्शंस अच्छी एजुकेशनल गाइडेंस, एजुकेशनल प्लानिंग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल सुपरविजन। तो मुझे जो एजुकेशनल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट कही तो एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन ये तीन टा जाक हूँ गोटे 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 कंपोनेंट कहार ना एजुकेशनल मैनेजमेंट रो। तो एजुकेशनल गाइडेंसटा गोटे से गोटे गाइडेंस गोटे पर्सनल जिनस को बुझे तो एजुकेशनल गाइडेंस तो यहाँ टीचर गोटे स्टूडेंट को गाइड करेंगे, तो स्टाफ्स मैंने कलिग्स मान को गाइड करेंगे, तो पीयर ग्रुप पीयर को गाइड करेंगे। तेणुक यहीटा गोटे कंपोनेंट नुहे बट यहाँ निहाती भाव में दरकार। तो ये क्वेश्चन जहाँ पचारि तो नॉट ए कंपोनेंट तेणुक आम आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सुड बी डेमोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, आइडियालिस्टिक, ऑटोक्रेटिक। तो आमर आइडियालिस्टिक भी आउ होची आइडियालिस्टिक फिलोसफी रे आमर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एबे काम करूनी, ब्यूरोक्रेटिक तो केबे भी नुहे, ऑटोक्रेटिक माने जणक ऊपर होची रहिबो कंट्रोल सेमिति भी नाही आमर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो केमिति हबा दरकार स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ना डेमोक्रेटिक इन नेचर, तो समस्तंकर इक्वल राइट्स रहिबो, तो तेणुकरी सुड बी डेमोक्रेटिक हे जीव करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए होची टी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच इज नॉट ए फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शंस अच्छी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन और इम्पोजिशन। तो देखंतु ये ऑप्शंस अच्छी कोऑपरेशन होची गोटे बहुत भल पॉइंट, कोऑर्डिनेशन भी गोटे गुड पॉइंट, और इंटीग्रेशन। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन ये तीन टा जाक हूँ डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रे निहाती भाव में रहिबा दरकार। तो क्वेश्चन कौन पचारि नॉट ए फैक्टर ता माने इम्पोजिशन। इम्पोजिशन माने कौन? इम्पोजिशन माने जोर जबरदस्ती किसी गोटे प्रेशर पकेबा, तो सेटा को कहा जाए इम्पोजिशन। तो ये डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रे आमर इम्पोजिशन हूँ गोटे फैक्टर के भी हो पार ना। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक अच्छे, ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। देखो 129 अच्छी ह्विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द रोल ऑफ ए टीचर। टीचर सहित कौटा एसोसिएटेड नुहे दीजिए। देखो ऑप्शंस अच्छी फैसिलिटेटर, फिलोसोफर, फ्रेंड, एडमिनिस्ट्रेशन। आम गोटे टीचर को कौन कही था फ्रेंड, फिलोसोफर, आउ कौन कही था फिलोसोफर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, फैसिलिटेटर। गाइड और फैसिलिटेटर आम कही था तेणुक फैसिलिटेटर ठीक हम, फ्रेंड ठीक हम, फिलोसोफर ठीक हम, बट एडमिनिस्ट्रेटर आम कहानी जीक निजे सब कंट्रोल करेंगे ताकू ही एडमिनिस्ट्रेटर कह जाए ना। तो टीचर को केवे एडमिनिस्ट्रेटर हूँ रोल बोली आम ग्रहण करने कथा नुहे। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हिच वन इज कंसीडर्ड एज द कोर ऑफ स्कूलिंग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कोटा हूँ गोटे कोर पॉइंट कंसीडर करा जाए कहाँ को फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट माने कौन? फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। तो करिकुलम, सिलेबस बा सिलेबी, तापर कोर्सेस ऑफ स्टडीज, टेक्स्ट बुक्स। तो आमर मुँ करिकुलम भितर सिलेबस, कोर्सेस ऑफ स्टडीज, टेक्स्ट बुक्स सबू किसी इनक्लूडेड। तो करिकुलम रे आमर पिलार ऑल राउंड डेवलपमेंट पाई सबू प्रकार एक्टिविटीज आज पर देयर नीड, इंटरेस्ट, एज ग्रुप, साइकोलॉजी सबू किसी स्टडी करा जाए कि फॉर्मेशन करा जाए था। तेणुक ऑलराउंड बा होलिस्टिक डेवलपमेंट पाई आमर कोर पॉइंट क्या निया जाए बा कोर बोली क्या कंसीडर करा जाए ना करिकुलम को। यहाँ सब बेले मन रखे करिकुलम। तो आंसर होलम।
नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा डिफिकल्टी वैल्यू एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर ऑफ द टेस्ट आइटम्स आर डिटरमाइंड एट द स्टेज ऑफ प्लानिंग प्रिपेरेशन ट्राइंग आउट और एडमिनिस्ट्रेशन देखो तो एटा होची हमारो जो टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन चैप्टर रु आसीची असेसमेंट एंड लर्निंग जो अच्छी हमारो असेसमेंट इवैल्यूएशन जो पार्ट अच्छे से यूनिट रु आसीची तो एटा तो हमें डिस्कशंस करी नाहंती बट हमें डिस्कशंस निहाती भाबे करबा को चेष्टा करबा एटा बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर तो एथिरे होची एटा रो आंसर कोन हबो ना डिफिकल्टी वैल्यू आउ डिस्क्रिमिनेटिंग पावर गोटे अच्छी तो से गुडा केते बेले होची देखा जाय थाए ना सेरा होची तो ट्राइंग आउट जते बेले स्टेज आसी थाए तो प्लानिंग प्रिपेरेशन तापरे ट्राइंग आउट आसता है तो सही पेज रे डिफिकल्टी लेवल और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को देखा जाए था बा टेस्ट आइटम को होची देखा जाए था तो एटा आंसर हबो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा नेक्स्ट अच्छी कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मेनली एम्स आट होलिस्टिक डेवलपमेंट स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो फ्रेंड्स मु सीसी बा हमर कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को बुझे तो कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रा दुईटा पार्ट थिला गोटे होची स्कॉलास्टिक आ गोटे होची को स्कॉलास्टिक तो दुईटा पार्ट को से इंक्लूड करूची सीसी तो जेहेतु दुईटा जाक को से इंक्लूड करूची से ऑलराउंड डेवलपमेंट करबा को चाहे पिला मानकर तेणु करी सीसी जते बेले थिबो तो आखी बुझी के ऑप्शंस माने थिबो देखी के मारिबे होलिस्टिक डेवलपमेंट होलिस्टिक माने होची ऑलराउंड डेवलपमेंट ठीक अच्छे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देखो व्हाट टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएससी ओडिशा फॉर एचएससी एग्जामिनेशन तो आमर को टाइप रो ग्रेडिंग सिस्टम होची एटा भी से आमर असेसमेंट इवैल्यूएशन से सेक्शन रो आसी छी ताको भी हमें डिस्कशंस करी नहंती तो एटी आमर होची ग्रेडिंग सिस्टम ऊपर क्वेश्चन आसी छी तो को टाइप रो ग्रेडिंग सिस्टम होची बीएससी करी छी तो एटी आंसर हे जीव कोन रिलेटिव एब्सोल्यूट डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ये आंसर है जो फ्रेंड्स एब्सोल्यूट तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम हमें कहाँ को कहिबा और रिलेटिव ग्रेडिंग सिस्टम हमें कहाँ को कहिबा ना एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम हो जी गोटे ग्रेडिंग सिस्टम सपोज 90 रु 100 भीतर ग्रुप रे गोटे जो माने जहाँ मार्क रखु चंती तांकु हमें धर ए ग्रुप तापर 80-90 धर बी ग्रुप तो ए टाइप रो जो ग्रेडिंग करा जाय थाए तो ताकू कुहा जाय थाए एब्सोल्यूट ग्रेडिंग आ गोटे अछि रिलेटिव ग्रेडिंग जोटा कि होची कंपैरिजन करा जाय थाए गोटे पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट होता है तो तांकू गोटे पर्टिकुलर क्राइटेरिया थ्रू रे ताकू होची ताकू से वैल्यूटा से ग्रेडिंग सिस्टम सेमती करा जाय थाए तो रिलेटिव करी कंपैरिजन करी तेणु करी रिलेटिव ग्रेडिंग एठी नुहे तो आंसर हे जेबो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम होची फॉलो करी थाए बीएससी ओडिशा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज नॉट देयर इन ए ब्लू प्रिंट तो यहाँ टेक्स्ट कंस्ट्रक्शन रो डायरेक्ट आसी क्वेश्चन तो जेहेतु ये आसी ब्लू प्रिंट रो तो ब्लू प्रिंट रो सब बेले काम हो कौन ना से मेनली हूँ कौ जिनस को से वेटेज दे थाए और कौटा को देनी से पचारि तो देखो ऑप्शंस अच्छी रिलेटिव वेटेज टू कंटेंट कंटेंट को से निहाती भाव में वेटेज दबा तो ठीक अच्छे रिलेटिव वेटेज टू डिफिकल्टी लेवल तो डिफिकल्टी लेवल तापर नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखिबा कौन अच्छी रिलेटिव वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिव वेटेज टू इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कंटेंट आउ होची टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को निश्चित भाव में से होची वेटेज दिए बा कंसीडर करी थाए ब्लू प्रिंट बट डिफिकल्टी लेवल कोटा केते हबो सेटा ब्लू प्रिंट रो काम नुहे तेणुक आंसर ऑप्शन नंबर बी तीनटा जिनस मन रखे कंटेन्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आउ ऑब्जेक्टिव्स इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स ये तीनटा जाक ब्लू प्रिंट रोचे पार्ट ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इज द ओस्टेट आमर जो ओस्टेट एग्जामा कौ टाइप इवैल्यूएशन तो आम तो पढ़ी फॉर्मेटिव समेटिव प्लेसमेंट डायग्नोस्टिक तो फॉर्मेटिव माने जोटा ड्यूरिंग ही थाए आउ फॉर्मेशन हमरो फॉर्म करी थाए नॉलेज समेटिव एट द एंड ही थाए प्लेसमेंट होची किछि गोटे प्रोफेशनली हमर गोटे किछि एग्जाम देथांती जोटा कि जो पाई कि हमें गोटे किछि हायर लेवल जॉब पाई हला कि किछि गोटे प्रोफेशनली हमें गोटे किछि गोटे अचीव करिवार थाए तो सही एंट्रेंस टेस्ट हमें देथांती तो ताकू ही कुआ जाय प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तो ओस्टेट होची प्लेसमेंट इवैल्यूएशन गोटे टाइप ऑफ ठीक अछि तो आंसर हे जेबो प्लेसमेंट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
cannot be considered as a characteristics of learning. तो कोटा होची can not be considered दीजी considered as a characteristics of learning. It takes place only in formal institutions. It is goal directed learning होची goal directed correct. It is comprehensive process correct. It is the result of practice and experience correct. देखो तो option number A अच्छी it takes place only in formal institutions. तो फ्रेंड्स लर्निंग जेते बेले आमे डिस्कशंस करी थिले लर्निंग होची आमरा फॉर्मल फॉर्मल ले आमे पढ़ी परिबा इनफॉर्मली रे आमे आमे नॉलेज गेन करी परिबा आ नॉन फॉर्मल ले भी आमे होची नॉलेज गेन करी परिबा तिनी प्रकार वे रे आमे कोन आमे लर्न करी परिबा तो एठी देछि ओनली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ने आमे लर्निंग करी परिबा तो तेनु कर एटा भूल हे जइबो तो आंसर हे जइबो ऑप्शन नंबर ए. तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए कैंडिडेट इज वर्किंग हार्ड टू क्वालिफाई द ओस्टेट. गोटे पिला बहुत माने हार्ड वर्क करुची टू क्वालिफाई ओस्टेट. द कैंडिडेट इज सेड टू हैव मोटिवेटेड इंट्रिंसिकली एक्सट्रिंसिकली इंडिविजुअली और एक्सपेरिमेंटली. इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंटली किछि नुहे. मोटिवेशन होची टू टाइप्स गोटे होची इंट्रिंसिकली गोटे एक्सट्रिंसिकली. एक्सट्रिंसिकली कौन सपोज गोटे पिला होची मैथ टेस्ट हो तो सी हूँ आउट ऑफ 30 29 रखुची तो ताकू टीचर हूँ मोटिवेट करूँ बाहर ताकू गोटे रिवार्ड दौरान कि तू 29 रखिले मुझे एति गोटे टॉफी मिले कि गोटे किसी गोटे तेत गोटे रिवार्ड मिले तो सहीटा हूँ कौन ना गोटे एक्सटर्नल मोटिवेशन. बट जिते बड़े गोटे पिला निजे हार्डवर्क करे निजे किसी अचीव करने को चाहे तो आम कही इंटरनल मोटिवेशन बा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड. तो तेणुक आंसर हो इंट्रिंसिकली. ठीक अच्छे. नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन तो व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इट इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एब्सोल्यूट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग. तो फ्रेंड्स ये मुझे रखुची ये आम जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो अच्छी तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मेनली हूँ तीन प्रकार रो. तो कौन कौन ना गोटे हूँ जीरो ट्रांसफर गोटे जीरो गोटे हूँ पॉजिटिव गोटे हूँ नेगेटिव. तो पॉजिटिव केतेबेले हबो नेगेटिव केतेबेले हबो आउ जीरो केतेबेले आमे ताकु कहबा. तो देखंतु जेतेबेले हूँ गोटे लर्निंग ता प्रीवियस लर्निंग तार आउ गोटे लर्निंग ते जेतेबेले हेल्प करिथाय ताकु सेतेबेले आमे ताकु पॉजिटिव कहितांती. जेतेबेले किछि होची डिफरेंस पकाएनी प्रीवियस लर्निंग तार नुवा लर्निंग रे किछि डिफरेंस पकाएनी ताकु आमे कहितांती जीरो लर्निंग. जेतेबेले तार प्रीवियस लर्निंग तार गोटे करेंट लर्निंग उपर बैड इंपैक्ट पकेथाय तो ताकु आमे कहितांती नेगेटिव लर्निंग. तो एटी क्वेश्चन कोन अछि ना व्हेन प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इट इज कॉल्ड नो डिफरेंस हेले कोन ना जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हि जेबो करेक्ट आंसर. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट. सबु धीरे क्वेश्चन नॉट आछ तो क्वेश्चन भलसे पढ़े की करिवे. देखंतु फर्स्ट जो छि ऑप्शन अछि वाटसन ऑपेरेंट कंडीशनिंग कोहलर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी थंडराइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी पाब्लोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी. देखंतु वाटसन कोहलर थंडराइक पाब्लोव तो समस्त बिहेवियरिस्ट बट एठी कोहलर इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी देछंती ठीक अछि थंडराइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी ठीक अछि पाब्लोवंकर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ठीक अछि बट वाटसन जे सी होछंती फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट तांको आमे कहितांती वाटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट कहितांती. सी ऑपेरेंट कंडीशनिंग दे नथिले. ऑपेरेंट कंडीशनिंग के देथिले हमर बी एफ स्किनर जने अछंती. स्किनर को ना समस्त जानिथिबे तो स्किनर होची देथिले ऑपेरेंट कंडीशनिंग. तो यही ऑप्शन टा तेणु करी भूल अछि तो आंसर हे जबो ऑप्शन नंबर ए. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द क्रिटिकल पेडागोगी एम्स आर्ट. क्रिटिकल पेडागोगी एम्स आर्ट टू रेशनलाइज द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू स्ट्रेंथन द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन टू मॉनिटर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन. क्रिटिकल पेडागोगी कौन ना क्रिटिकल पेडागोगी हूँ सब लर्नर सेंट्रिक होता सब बेले लर्नर रो से होची नीड इंटरेस्ट से सब को से होची फोकस करी थाए. तो जेहेतु गोटे बैंकिंग सिस्टम आमे कौन कहबा बैंकिंग सिस्टम जेमती आमे जानती बैंक को आमर पैसा जमा करंती
आमे पळाय आसंती तो से होची बैंक तार पैसा को स्टोर करके रखे तो सेमिति नॉलेज टा होची टीचर को ठू केवल होची सिंगल हैंडेडली होची पिला मानन को ठू पिला मानन को पाख को आसीबो टीचर मानन को माने पाखरु पिला मानन पाख को आसीबो आउ डायरेक्ट रहिबो पिला माने एथरे इंटरेक्शन रहिबनी किछि रहिबनी से माने किछि जानिबेनी तो प्रीवियसली जो बैंकिंग सिस्टम थिला ताकू होची कंपेयर कराइ छि आ सहित तो जेहेतु गोटे बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन आमे ताकू कहबा जेमति बैंक रे जेमति एग्जैक्ट हुए तो स्टोर हेकि रहिला रहिला सेमति तो एठी आंसर कोन हे जिवो ना एम्स आर्ट टू डू अवे विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कोन पई ना बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन ले सब बेले टीचर ही होची सेंटर रे थाए माने टीचर सेंट्रिक थाए बट जदि एठी टू डू अवे विथ माने टू रिमूव माने टू चेंज विथ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन तो एटा तार मेन एम तो एटा को चेंज करबा होची क्रिटिकल पेडागोजी रो मेन एम ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा नेक्स्ट अछि देखंतु ए क्रिएटिव लर्नर वन हु इज गुड एट क्रिएटिव लर्नर आमे कहा को कहबा जे कि गुड कोथिरे मैथमेटिक्स लिटरेचर सेंट्रल थिंकिंग और लैटरल थिंकिंग जे मैथमेटिक्स रे बहुत भलो तांको आमे क्रिएटिव कहि परबानी लिटरेचर रे सेमते जे हेतो ताकु बे आमे कहि परबानी सेंट्रल थिंकिंग माने कन्वर्जेंट थिंकिंग माने गोटे आडू को से चिंता करि परथो गोटे डायरेक्शन को सब बेले से सेई गोटे जिंस आडू को ही तारो चिंता गोटे आडू को रहथिबो तो सी तो केबे भी क्रिएटिव हेइ परबानी देखो तो ये गोटे टर्म अछि लैटरल थिंकिंग तो लैटरल थिंकिंग जगह रे आउ गोटे ऑप्शन भी दबो डाइवर्जेंट थिंकिंग यदि लैटरल जगह रे डाइवर्जेंट थिंकिंग थिबो पर लैटरल थिंकिंग थिबो सेटा हि जेबो तार करेक्ट आंसर बिकॉज क्रिएटिव लर्नर डिफरेंट डायरेक्शन गोटे लर्नर से डिफरेंट डायरेक्शन सब आड़ को से विभिन्न प्रकार दिग को बहुत प्रकार जिनस भाबी पारे तो तेणु करी तार थिंकिंग होची डाइवर्ज बा लैटरल तेणु करी आंसर हि जेबो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द डेवलपमेंट अफ सेल्फ कनसेप्ट अफ एडोलोसेंट्स कौटा हूँ एडोलोसेंट्स मानकर सेल्फ कनसेप्ट डेवलपमेंट को बातर अफेक्ट्स द डेवलपमेंट अफ सेल्फ कनसेप्ट जो सेल्फ कनसेप्ट डेवलप होता है कौ फैक्टर कौटा हूँ अफेक्ट करें एडोलोसेंट्स सक्से फेल्युअर आक्सेप्टन्स आचिवमेंट तो ये देखो फ्रेंड्स यहाँ हूँ नीड्स जो एडोलेसेंस जो अच्छी जो आम नीड्स आर जो रिक्वायरमेंट सब अच्छी एडोलेसेंस मानकर से थ्रुटा क्वेश्चन आसी तो ये हूँ कौटा हूँ अफेक्ट कराए तो सक्सेस पाईगले आक्सेप्टेंस पाईगले सोसाइटी अचीवमेंट भल कले तो यू तो अफेक्ट करनी बट जो फेल्युअर हे से तो सहीटा बहुत हूँ स्ट्रंगली अफेक्ट पकई थाए क्या एडोलेसेंट एज ग्रुप्र पाला तेणुक आंसर हो फेल्युअर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखु अकॉर्डिंग टू विल्फर्ड एनी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ थ्री कंपोनेंट्स तो जेपी विल्फर्ड किए ना जेपी विल्फर्ड होचंती 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस मु इंटेलिजेंस रो कंप्लीट गोटे वीडियो बनई रखी जो मैंने देखी ना देखिपारे तो ये देखो इंटेलिजेंस रो क्वेश्चन आसी कौन ना जेपी विल्फर्ड जो 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस देते से तीन टा कंपोनेंट थिला आउ गोटे वीडियो भी मुझे स्पेसीफिकाली बनई जो थे कि सब हूँ साइकोलोजिस्ट मानकर टिके ब्रीफली कनसेप्ट अच्छे से आपले देखिपर बिकज बहुत सारा इनफर्मेसन से मिल जाव तो ये जो 3D मॉडल तीन टाला कौन कौन गोटे कही ओ सी पी ऑपरेशन कंटेंट प्रोडक्ट तो ऑपरेशन कंटेंट आउ प्रोडक्ट कौटि अच्छे आंसर फास्ट रु अच्छे ऑपरेशन कंटेंट आउ प्रोडक्ट तीन टा जिन सी नहीं थे मेन हूँ कंपोनेंट तो आंसर हो फर्स्ट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु प्रोपाउंडेड द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो आम यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस अल्फ्रेड विनेट देते टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस गोटे किए देते चार्ल्स स्पीयरमैन तो ये आंसर अच्छी कौन ऑप्शन नंबर ए रे अच्छे स्पीयरमैन तो आंसर हो चार्ल्स स्पीयरमैन जब स्पीयरमैन आंसर हो तो सी जी फैक्टर आउ एस फैक्टर दुईटा फैक्टर उपर से देते तेणुक थ्योरी नाँ होता टू फैक्टर थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन द सेल्फ कनसेप्ट मीन्स व्हाट वन जज ऑफ हिज अचीवमेंट व्हाट वन थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ व्हाट वन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग
what one learns during teaching. So it is self concept kie dethile na American psychologist ba humanistic approach jaro thila Carl Roger se self concept dethile na according to self concept what one thinks of himself. तो व्हाट वन थिंग्स ऑफ हिमसेल्फ निज को निजे कौन भावे तो सेटा ही तो सेल्फ कॉन्सेप्ट ना तो आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द मेंटल ऑपरेशन इज द लिस्ट को जगह रे मेंटल ऑपरेशन होची सबुठु कम रहिबो ऑप्शंस अछि इमिटेशन इमेजिनेशन इंक्वायरी इंट्यूशन. देखंतु इमिटेशन माने होची गोटे डायरेक्ट गोटे क्या कॉपी करिबा बा अनुकरण करिबा. इमेजिनेशन माने किछि गोटे जिनस विषय रे निजे बसी चिंता करिबा बा इमेजिन करिबा. इंक्वायरी माने किछि गोटे इन्वेस्टिगेशन करिबा इंक्वायरी करिबा कोन टे नुवा जिनस पाइबा. आ गोटे छि इंट्यूशन इंट्यूशन माने वन काइंड ऑफ गेस तो गोटे गेस करिबा हां एटा एया हेई पारे. तो एटी देखंतु इंक्वायरी इमेजिनेशन इंट्यूशन ए तीनटा जक कोन आमर कॉग्निटिव प्रोसेस को होची इंप्रूव करे बट इमिटेशन होची लिस्ट इफेक्टिव. तो आंसर है जो इमिटेशन. तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल विद द अनडिजायरेबल इमोशंस ऑफ द एडोलेसेंस. तो जो एडोलेसेंस मानकर जो अनडिजायरेबल इमोशंस देखा दे थाए तो ताकू हमें केमिति बेस्ट हैंडल करी पारिबा. पनिशिंग एडोलेसेंस एमिति ऑप्शंस देखिला माने डायरेक्ट काटिबे हबो नाही. पनिशिंग केबे भी हबनी नेगेटिव स्टेटमेंट जम्मा भी ऑप्शन रे रहिबो ताकू बिल्कुल काटि देबे. नेक्स्ट अछि एडवाइजिंग देम नॉट टू बिहेव इन दैट वे ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट हबनी. नेक्स्ट अछि प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन एंड लास्ट ऑप्शन अछि ब्रिंगिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स से मानको बापा मांको नजर को एटा को नै आसीबा. तो ये भी होची वन काइंड ऑफ नेगेटिव होची स्टेटमेंट बिकॉज़ टीचर काम होला सी फास्ट बुझिबा ओ ताको हैंडल करबो पिला मानको. तो तेणु करी आउ बाकी रहला को ऑप्शन ना ऑप्शन नंबर सी. तो प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन माने कोन ना टीचर बा जहार काम होइतबो जे हैंडल करबो सिचुएशन को सी पिला रो बा एडोलेसेंट पिला रो से होची क्यूरियोसिटी तार केते लेवल केते जानिबार कोन इच्छा अछि तार कोन चिंता शक्ति अछि तो तार ए सब जिंस जो जानिबाटा तार प्रॉब्लम कोन रहूची ये सब को जानवा को हमें कही प्रोसेस ऑफ सबलिमेशन तेणुक आंसर होटा गोटे बेस्ट आंसर बाछवा तो आंसर ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट अच्छे हु प्रोपाउंडेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ग्विलफर्ड टर्मन स्पीयरमैन थर्स्टन. तो आम चार्ल्स स्पीयरमैन आम जस्ट डिस्कस कले टू फैक्टर थ्योरी देखते जेपी ग्विलफर्ड होती 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस टर्मन किसी थ्योरी देना तब टर्मन होची कन्सेप्ट से जो हमरो आईक्यू कन्सेप्ट आसला परे जो फॉर्मूला आसला ताकू सेटा टर्मन देथिले तापर थर्स्टन रहिले जणे थर्स्टन देथिले ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस. तो थर्स्टन तेणु करी हे जबो राइट आंसर. तो ऑप्शन नंबर डी होची थर्स्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद देखंत दिछि कॉग्निटिव डोमेन कोनेटिव डोमेन एफेक्टिव डोमेन इंटेलेक्चुअल डेवलप माने सॉरी इंटेलेक्चुअल डोमेन. तो सब जाक हूँ डोमेन अच्छे ऑप्शन. तो आम जानते गोटे कॉग्निटिव गोटे कॉग्निटिव आउ गोटे हूँ अफेक्टिव आउ गोटे हूँ साइकोमोटर डोमेन तीन टा टाइप रो डोमेन आमर अच्छे कॉग्निटिव अफेक्टिव आउ साइकोमोटर. ये साइकोमोटर डोमेन को आम कही था कौन ना कोनेटिव डोमेन. ये कोनेटिव डोमेन अलग ना हूँ कौन ना साइकोमोटर. तो साइकोमोटर रो काम कौन ना साइकोमोटर डोमेन हूँ सब बेले फंक्शन बा किछ गोटे काम करिबा हैंड्स लेग्स रो कोऑर्डिनेशन मसल्स रो कोऑर्डिनेशन. तो ये सब जिते बेले काम करा जिबो बा जणे काम करिबो सेते बेले आमे तार साइकोमोटर डोमेन डेवलप हुए बोली आमे कहितांती. सेमती आमर कॉग्निटिव डोमेन जहा इंटेलेक्चुअल डोमेन सेटा कॉग्निटिव डोमेन होची थिंकिंग सहित रिलेटेड इंटेलेक्चुअल डोमेन भी थिंकिंग सहित रिलेटेड. अफेक्टिव डोमेन होची कहा सहित रिलेटेड अफेक्टिव डोमेन होची इमोशंस आमर इमोशंस सहित रिलेटेड अफेक्टिव डोमेन. तो से क्वेश्चन कौन दे लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज नॉट एसोसिएटेड विथ कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल. तो निश्चिंत भाव में हम कहीं लैंग्वेज जहाँ जिते डेवलप तार चिंताशक्ति से डेवलप हे तेणुक कॉग्निटिव आउ इंटेलेक्चुअल केबे हबनी
तो बाकी रहिला कोनेटिव आउ अफेक्टिव। तो लैंग्वेज डेवलप हेले सी किछु गोटे लेखि पारिबो करि पारिबो। तो तेणु करी एठी कोनेटिव अफेक्टिव भी हबनि बिकज किछि इमोशंस तार किछि रहुनि। तो तेणु करी एठी आंसर कोन हेजिबो, तो आंसर हेजिबो कोन ना कोनेटिव डोमेन माने साइकोमोटर डोमेन। जेतेबेले लैंग्वेज डेवलप हेजिबो से भलसे होचि लेखि पारिबो माने कोटा होचि नॉट देछि ऑप्शन देछि नॉट रिलेटेड। कोनेटिव सहित कोनेटिव डोमेन सहित एटा रिलेटेड हबनी। तो लैंग्वेज होची कौन, लैंग्वेज होची हमरो आमे लैंग्वेज थ्रू रे आमे हमरो इमोशंस फीलिंग्स ए सब जिनस को एक्सप्रेस करी परथांती। और लैंग्वेज होची हमरो कम्युनिकेट करिवार गोटे मेन मीडिया। तेणुकरी लैंग्वेज होची हमरो इंटेलेक्चुअल बा कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट बा डोमेन सहित रिलेटेड आउ होची हमरो अफेक्टिव डोमेन सहित रिलेटेड। जोटा कोनेटिव डेवलपमेंट गोटे किसी करवा जोटा साइकोमोटर जो डोमेन आम कही था सहित लांगुएज रिलेटेड नुहे। तो आंसर हो कोनेटिव। लास्ट क्वेश्चन द डुईंग आस्पेक्ट अफ बिहेवियर, द डुईंग आस्पेक्ट अफ बिहेवियर देखु कौन दे क्वेश्चन डुईंग आस्पेक्ट अफ बिहेवियर इज एसोसीएटेड विथ जोटा कम कर जस्ट मुझे कहली जितेबाड़ कर गोटे किसी आसे तो सी कग्निटिव सहित नुहे बिकज थिंकिंग सहित रिलेटेड नुहे इंटेलेक्चुआल सहित नुहे तापर एफेक्टिव सहित भी नुहे बिकज ये इमोशंस किसी आसुनी। तो कोनेटिव बा साइकोमोटर डोमेन सहित आमर डायरेक्टली रिलेटेड। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थिला फ्रेंड्स किछि 25 बाकी क्वेश्चंस। तो मुँ आशा करुच्छे निहाती भाव में आपण मन को भल लगी एंड जदि भिडियोटी भल लगुच देन फ्रेंड्स मानक निश्चिंत भाव में शेयर करूँ एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।